जय हिंद। और हम लोग चलते हैं सीटेट, जो कि सेंट्रल टीचर लेवल टेस्ट है, उसमें पेपर वन का हम लोग कक्षा 1 to 5 में आता है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या अध्ययन रहता है? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, फिर भाषा हिंदी या भाषा अंग्रेजी या पर्यावरण। 1 to 5 में सबके लिए ये है। और उसमें हम लोग सबसे पहले अध्याय 1 में क्या पढ़ते हैं? विकास की अवधारणा एवं उसके अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। विकास की अवधारणा हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये तो सबसे पहले विकास की अवधारणा क्या है? तो विकास की अवधारणा क्या हुआ है? विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया है। विकास क्या? जीवन पर्यंत जो है निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया में बालक शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक या भाषागत या लैंग्वेज उसको बोलते हैं, संवेगात्मक, इमोशनल, सामाजिक आदि पक्षों का विकास होता है। बालक में विकास प्रक्रिया में क्या क्या होता है? शारीरिक विकास होगा, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसको कॉग्निटिव होते हैं, भाषागत, लैंग्वेज, संवेगात्मक, इमोशनल और सामाजिक सोशलाइजेशन विकास बच्चों में विकास की प्रक्रिया में शुरुआत में होता है। बालक में आयु के साथ साथ होने वाले गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन समानता देखे जाते हैं। बालक में जो परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक और परिणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन को क्रमिक श्रृंखला जिसको विकास कहते हैं, सिक्वेंस कैलम, मतलब जो लगातार क्रमबद्ध विकास चलता है, क्रमबद्ध एवं सुसंगत होने वाले इस संकेत को करता है। बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, उनके होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन और परिवर्तनों की परिपक्वता पर भी निर्भर करता है कि बालक कैसे विकास करेगा। इसके बाद अरस्तु के अनुसार क्या है? विकास आंतरिक व बाह्य कारकों में से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है। अरस्तु के अनुसार विकास क्या है? विकास आंतरिक और बाह्य, माने अंदर और बाहर से दोनों दिखता है, वही विकास होने वाला एक परिवर्तन है। और मुनरो के अनुसार क्या कहा गया? मुनरो के अनुसार कहा गया है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता हुआ विकास कहलाता है। अरस्तु का कहना क्या है? विकास आंतरिक और बाह्य। और वही मुनरो को क्या कहना है? विकास श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता वही विकास कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं विकास की अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण क्या है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया जो इस प्रकार है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित पर गतिशील नियमित होते हैं। विकासात्मक जो परिवर्तन होते हुए नियमित और प्रगतिशील होते हैं। समानता विशिष्ट और सरल, जो कि सरल से जटित एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों को रक्षण होने वाला एक क्रम है। विकासात्मक परिवर्तन में क्या होता है? सरल से जटित और एकीकृत से क्रियात्मक की ओर बढ़ता है विकास। उसके बाद है विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशन होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि से को दर्शाता है जबकि कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से दर्शाता है। विकास क्या है? कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र दर्शाता है कि विकास बहुत जल्दी हो जाता है और जबकि कुछ में बहुत धीमे धीमे होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास क्या होता है? बहुत लचीला होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति में अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। यह अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? विकास की दर में तुलना विशिष्ट से अपेक्षाकृत अच्छा सुधार या परिवार में शारीरिक शक्ति या स्मृति के बुद्धि स्तर को भी सुधार ला सकता है। उसके बाद है विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मक स्तर पर उच्च वृद्धि देखने में आता है।
विकासात्मक परिवर्तन में क्या होता है? परिपक्व से क्रियात्मक, जो कि उच्च स्तर से वृद्धि देखने में होता है, जिससे उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। जैसे बचपन में बोलता है तो कुछ लड़खड़ा के बोलता है, वही आगे जाके उसमें लड़खड़ाना कम हो जाता है, तो जटिलता में वृद्धि। परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में यादाश्त स्मृति का कमजोर होना, यह है विकासात्मक परिवर्तन के प्राय कारण। उसके बाद है अगला पॉइंट में क्या है, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। जो विकास है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना और नैतिक मूल्यों का निर्माण होना। और विकास क्या है, विकास प्रासंगिक हो सकते हैं, यह ऐतिहासिक परिवेशीय और सामाजिक संस्कृति घटनाओं को प्रभावित करता है। उसके बाद आते हैं विकासात्मक परिवर्तन की दर और गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में जो उल्लेखनीय परिवर्तन, जो कि व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, जैसे अंतर में क्या होगा, आनुवांशिक घटक अथवा परिवेश प्रभाव के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपने आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतना या जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चे विकास की गति में बहुत धीमे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या है, यदि एक बच्चा औसत 3 शब्दों के बाद 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास के निम्नलिखित भागों में बांटा है। जो मनोवैज्ञानिक हुए वो विकास के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है कि विकास कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो कि बाह्य विकास है, शारीरिक विकास बाह्य परिवर्तन, जैसे कि उसमें ऊंचाई दिखेगा, शारीरिक अनुपात में वृद्धि होगा वो दिखेगा, जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों को परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इसका समुचित विकास होता है। माने शरीर का बाह्य वाला तो दिख जाता है, लेकिन शरीर के जो अंदर वो तो नहीं दिखता, लेकिन वो विकास होता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार या भार में भी परिवर्तन होता है। जैसे प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, धीरे धीरे विकास के प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम हो जाता है। जैसे शुरुआत में क्या होता है, शिशु अपने हर कार्य को दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास बढ़ते जाता है, उसके बाद वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सक्षम होना चालू हो जाता, धीरे धीरे अपना काम करना चालू हो जाता है। उसके बाद है शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जो शारीरिक विकास है उस पर क्या होता है, जब अनुवांशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश और उनकी देखभाल का भी उनके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा हो तो उसके विकास की समान गति की आशा जैसे की जा सकती है, समान गति की आशा कैसे की जा सकती है, जैसे कि शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है, और इसके अतिरिक्त वह परिवेश में उसकी देखभाल कैसा हो रही है उसके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार नहीं मिलता है तो उससे विकास का भी समान गति में बढ़ते हुए असर किया जा सकता है। और है अगला है क्या है, बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण, एक तरह से उनके पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। माने बालक को जो वृद्धि और विकास के बारे में है, तो शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना चाहिए ताकि बच्चों में क्या रुचि है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो क्या चाहता है, उसके व्यवहार को शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। उसके बाद है बच्चे को शारीरिक वृद्धि एवं विकास के समान ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि विशेष प्रकार का आयु स्तर पर बच्चे से क्या आशा की जा सकती है। मतलब बच्चे का जब शारीरिक विकास वृद्धि होगा और उसके विकास के ढांचे से शिक्षक जो यह जान जाएगा कि वह किस आयु का बच्चा, वो क्या चाहता है, उसे क्या आशा रख सकते हैं,
उसके बाद हम लोग आते हैं मानसिक विकास। तो मानसिक विकास जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। जैसे संज्ञानात्मक और मानसिक विकास में का तात्पर्य क्या है, उन सभी बालक को जो मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिसका प्रयोग अधिगम करने मतलब सीखने में, समस्याओं को समाधान करने, वातावरण में समायोजन करने, स्थापित करने में किया जाता है। जैसे अगला पॉइंट क्या है, जैसे कल्पना करना, बालक का मानसिक विकास में क्या होता है, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, जैसे निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना आदि योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। मानसिक विकास में क्या क्या हो जाता है, कल्पना कर सकता है, वह अपना स्मरण शक्ति विकसित कर सकता है, विचार कर सकता है कि वो कौन सी वस्तु है, वो क्या रखा हुआ, वो पढ़ने में क्या क्या चीज है, वो इसके मानसिक विकास में ऐसे होता है। उसके बाद है जन्म के समय बालक में मानसिक योग्यताओं का अभाव होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसमें क्या होता है, मानसिक योग्यता का कमी होता है, किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों को इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। मतलब संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक को बालक के बारे में इसलिए जानना चाहिए ताकि उससे बालक से की समस्या क्या है, उसको समस्या को सुधार करने में आसानी होगी। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, इसके जानने को उपचार के लिए भी आवश्यक है। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके सबसे बड़ा क्या कारण है, ये जानना भी जरूरी है, इसका उपचार के लिए भी आवश्यक है। अच्छा, विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चे की क्या होता है, मानसिक वृद्धि हो सकती है। विकास के ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ पुस्तक तैयार करने में भी इसे सहायता मिलती है। जैसे विभिन्न अवस्था के आयु स्तर के बच्चे हैं उनमें मानसिक वृद्धि कैसी हुई है, तो उसको विकास को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार पाठ पुस्तक तैयार करने में सहायता मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या है, तो संवेगात्मक विकास है संवेग जिसे भाव कहते हैं, जिसे भाव प्रकट अपने द्वारा प्रकट कर देना, उस जिसका अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण। तो संवेग क्या है, जो कि भाव का अर्थ, जैसे ऐसी अवस्था जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यवहार में सबसे पहले क्या आ सकता है, या तो भय हो सकता है, या घृणा हो सकता, आश्चर्य हो सकता, क्रोध हो सकता, असली हो सकता, या खुशी हो सकता, या कोई आदमी का रिजल्ट हुआ तो उसमें खुशी हो सकता, या जिसको कुछ में भी खुशी हो सकता, या किसी से मिलने में खुशी हो सकता, ये होता है, ये संवेग का उदाहरण है। तो बालक में आयु के बढ़ने के साथ साथ संवेग में उचित प्रेरणा और नियंत्रण की योग्यता विकास होती है। तो बालक में जब आयु बढ़ते जाता है तो वैसे क्या होता है, उसमें प्रक्षेपण और नियंत्रण की योग्यता विकास होते जाती है। यह तो संवेगात्मक विकास जिसको इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मानव में वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। बालक के संस्कृति विकास में उनके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के जो संतुलित विकास है उसमें सबसे अहम भूमिका क्या होता है, संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। बालक का जो संवेगात्मक विकास होगा उस पर क्या होता है, परिवार में कैसा वातावरण है उस पर भी नजर होना चाहिए। जैसे विद्यालय के परिवेश या क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जैसे विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलाप में जो उचित प्रकार से संगठित अध्यापक बच्चों के क्या होता है, संवेगात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आते हैं हम लोग क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास जिसको मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, तो क्रियात्मक विकास से आस या व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास है। क्रियात्मक विकास क्या है, व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति और क्षमताओं के योग्यताओं से भी आकाश है, मतलब कौन सा कौन काम क्या कर रहा है, या क्रियात्मक शक्तियां
क्षमताओं या योग्यताओं के अर्थ ऐसी शारीरिक गतिविधियां क्रियाओं से जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशिया एवं तंत्रिका गतिविधियों की संयोजन से शब्द जैसे चलना बैठना खेलना कूदना या काम करना, इसमें क्या आता है क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे अब एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो ऐसा काम नहीं कर सकता कि खेचलेगा बैठेगा खेलेगा। जैसे शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ साथ आयु बढ़ते के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास भी होता है, कौशलों के विकास में बाधा पहुंचाता है। जैसे बालक में क्या होता है आत्मनिर्भर अर्जित करने की सहायता मिलती है जब बड़ा हो जाता है, तो फिर पर्याप्त क्रियात्मक विकास में अभाव में बालक विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में ही बाधा पहुंचता है। अब क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। जैसे क्रियात्मक विकास का स्वरूप, जो क्रियात्मक विकास का स्वरूप है उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक ने विभिन्न कौशलों का विकास करने में सहायक हो सकता है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक विभिन्न कौशलों का विकास करने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन में विकास हेतु विशेष करने की आवश्यकता होती है। जैसे वैसे बालक जिसमें क्रियात्मक विकास सामान्य से कम हो, जितना चाहे उससे कम है, तो उससे समायोजन विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब आते हैं भाषाई विकास। भाषाई विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक भावात्मक विकास माना जाता है। भाषाई विकास क्या है? एक प्रकार का संज्ञानात्मक जिसको भावात्मक विकास मानते हैं, जो कि भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव विचार एक दूसरे के सामने रखता है और एक दूसरे के भाव विचार को समझता है। यह है भावनात्मक विकास में और भाषा के आधार पर। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना या संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना या लिख कर अपनी बातों को रखना इत्यादि ये सम्मिलित किया जाता है। भाषाई विकास में यह समान होता है। जैसे बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्द समझने या बोलने लगता है। बालक क्या है भाषाई विकास में क्या है? बालक 6 माह या 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने व बोलने लगता है और 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और 15 से 16 के मध्य उनके शब्द कोश तीव्रता से विस्तार होने लगते हैं तथा शब्दों की समझ विकास हो जाती है। तो ये एक पॉइंट क्या है, जैसे 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, मैंने छोटा छोटा वाक्य कुछ बोलना है, फिर 15 से 16 के मध्य उसके शब्द कोश के तीव्रता में विस्तार होने लगता है तथा शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। और इसमें क्या है 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्द समझने और बोलने लगता है 6 माह के बीच। उसके बाद है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। जैसे समाज में गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, कहीं भी, तो समाज में रहकर उनके विभिन्न पहलुओं को समझना सीखना वो समाज के अंतर्गत है। जैसे समाज के अंतर्गत चरित्र का निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण या जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा आदि का विकास होता है। सामाजिक विकास की प्रथम संस्था परिवार है। सामाजिक विकास की प्रथम संस्था क्या है? परिवार है, जिससे बालक को प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। और संबंधों के दायरों में वृद्धि तथा माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्त मित्रों से जुड़ना होता है। सामाजिक विकास में क्या होता है जो कि संबंध के दायरे में आता है? कौन कौन? वृद्धि। वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है? माता पिता या भाई बहन, भाई बहन के अलावा भी दोस्त या मित्र से जुड़ना होता है। यह सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। और सामाजिक विकास के माध्यम से बालक में सांस्कृतिक धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में क्या होता है? सांस्कृतिक धार्मिक एवं सामुदायिक विकास की भावनाएं उत्पन्न होती है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे बालकों के मन में आत्मसम्मान स्वाभिमान विचारधारा का जन्म होता है सामाजिक माध्यम से। बालक को समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है और कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। जैसे बालक समाज के माध्यम से ही
अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है और उससे कुछ बनने की प्रेरणा लेता है। या एक शिक्षित समाज में व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। तो ये था विकास की अवधारणा। तो इसको आप देखिएगा वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।